और जो हिंदू के घर में तलवार नहीं मिली या राइफल या जो कि बंदूक नहीं मिली तो ध्यान रखना, और से हिंदू होने का परमिट भी नहीं देंगे। यूपी के मथुरा से संत युवराज का विवादित बयान सामने आया है। संत युवराज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की है जिसके बाद से पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि वायरल पोस्ट में संत युवराज हिंदुओं को 1250 रुपए में तलवार बेचने की बात कह रहे हैं। एक तलवार 1250 रुपए की दे रहा हूँ, घर मंगा के दे रहा हूँ। आसाम में मंगाओ, बंगाल में मंगाओ, केरला में मंगाओ, तमिलनाडु मंगाओ, या दिल्ली में मंगाओ, या मथुरा में मेरे गांव में ही मंगाइए। वीडियो के जरिए हिंदुओं को घर पर तलवार रखने की बात कही गई है। वहीं हथियार नहीं रखने वालों को हिंदू होने का परमिट नहीं देंगे। लाइसेंस दे रहे हैं हथियार का हम, जो तलवार का और जो कि नारी सुरक्षा यंत्र का। दूसरा मैं तो एक बात कह रहा हूँ हिंदुओं से, देखो मर्द की पहचान होती है शस्त्र, राइफल का, रिवाल्वर का, दुनाली का, बंदूक का जो कि लाइसेंस बनवाइए, और यदि सरकार आपसे पास नहीं करती है तो आप पूरी प्राथमिकता ऊपर तक कर दीजिए, चैन बना लीजिए, और डीएम के वहां से ठप्पा लगाना मेरा काम है। मैं हूं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना, और जो हिंदू के घर में तलवार नहीं मिली या राइफल या जो कि बंदूक नहीं मिली तो ध्यान रखना, और से हिंदू होने का परमिट भी नहीं देंगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच की बात कही है। इसके संबंध में जांच कराई जा रही है तथा जो भी सत्यता होगी वो कार्रवाई की जाएगी। संत युवराज काफी दिन से दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ अगर उनका कोई मूवमेंट या कुछ होगा तो तत्काल ही कार्रवाई करेगी।